बड़ी खबर, मराठा आरक्षण को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र हिंगोली में पिछले कुछ दिनों से मराठाओं ने जगह जगह पर आंदोलन शुरू किया है। कहीं पर आगजनी हो रही है तो कहीं पर आंदोलनकारियों ने चक्का जाम किया है। हिंगोली की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर आंदोलनकारी का उग्र रूप देखने को मिल रहा है। आंदोलन को लेकर शहर में बंद बुलाया गया है। तमाम दुकानें, होटल, सब्जी मंडी बंद कर दी गई है। वहीं कोई अनहोनी ना हो इसके लिए पुलिस का बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर हिंगोली रिसोड हाईवे पर लोगों ने बीच रास्ते लकड़ी को आग लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। कनेगांव के पास लोगों ने बीच रास्ते जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर रास्ता रोका है। तो वहीं नांदेड़ जाने वाले हाईवे पर भी लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सोलापुर में रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया। इसके तहत प्रदर्शनकारियों ने शेती नगर में रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद रेलवे पुलिस और सोलापुर सिटी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारी राम जाधव, निशांत सालवे को सोलापुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।